अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की कढ़ाई गोश्त। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह इसका टेस्ट होता है और बहुत ही कम मसालों के साथ इसे हम तैयार करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी बर्तन या कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर 1 कप तेल डालना है कुकर में। अब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो ये 3 प्याज को बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लेना है और फिर इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से बनने वाली है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे हम थोड़ा भूनेंगे, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी ये गुलाबी कलर की हो जाए यानी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हमें क्या डालना है, सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। थोड़े वक्त के लिए हम इसे भून लेंगे। अब इसमें ये मैंने 1 किलो गोश्त था ये मैंने डाल दिया है, तो इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि प्याज और अदरक लहसुन के साथ इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो ये हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो जितना आपको पसंद हो। और फिर इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। ये तीखी लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच हमने इसमें डाला और 2 छोटे चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 छोटे चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और 2 छोटे चम्मच भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ पाउडर डालेंगे हम। और इन मसालों को हम गोश्त में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए और गोश्त अच्छी तरह से इसका जो खुशबू है गोश्त में हमारे बस जाए। तो कम से कम हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से हमने मसालों को और गोश्त को भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा ये कढ़ाई गोश्त तैयार होगा। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे, ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, मैंने बिल्कुल इसे बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम मिला लेंगे और इसे मिलाकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब पानी को, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक का या गोश्त गल जाए तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ प्रेशर निकल चुका था तो अब हमने खोल लिया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका आप नज़र आ रहा होगा, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कढ़ाई गोश्त। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी है क्योंकि गोश्त में पानी होता है तो वो अपना पानी छोड़ चुका है। तो चलिए अब थोड़ा चेक करते हैं गोश्त हमारा कितना गला है। तो थोड़ी सी मुझे इसमें कसर लग रही है। तो अब हमने ये जो पानी है गोश्त का और मसालों का इसमें हमें इसे पका लेना है। इसमें हम अब इस वक्त डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल के डाल देंगे और ये 6 हरी मिर्च हैं साबित हमने इसे डाल देना है और इसे हम कवर कर देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे ताकि हमारा गोश्त है वो भी गल जाए। तो ये देखिए ये तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने खोला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़े ही मज़े की ये कढ़ाई गोश्त तैयार होता है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की और फटाफट से बन जाता है। और हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप देखिए ये किस तरह थिक हो चुका है, इस तरह हमें गाढ़ा चाहिए।
तो ये बिल्कुल रेडी है। बस इसमें हम कुछ चीज़ें हम डाल देंगे, जैसे हरा धनिया डाल दिया और अच्छी तरह से हमने हरा धनिया डाला और इसमें ये बारीक कटी हुई अदरक की स्लाइस डाल देंगे और फिर इसे हमें कुछ देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए हमने बिल्कुल बारीक आंच पे छोड़ देना है। तो ये 5 मिनट हो चुके थे और देखिए माशाल्लाह से इसके तेल सब ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल रेडी है हमारा कढ़ाई गोल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।